वैसे मैंने किसी से जिक्र नहीं, 2 दिन पहले मेरे घर में किसी ने घुसने की कोशिश की। अच्छा, मेरे घर में कैमरास लगे हुए। मजे की बात ये कि ठीक उसी 1 घंटे की रिकॉर्डिंग नहीं है उसमें। और हाँ मुझे वो कंपनी वाले ये कह रहे हैं कि जी कुछ कुछ टेक्निकल फॉल्ट था। मैंने कहा ठीक इस वक्त की रिकॉर्डिंग नहीं है जब वो वो ये आदमी नहीं कह रहा है कि मेरे होते हुए फायदा उठा लो, बाद में ये चांस नहीं मिलेगा। यार वो तो बमूनी लगा रहे। उसके बाद तुम कह रहे हो, रो रहे हो, ये टीम का लीडर ये कह रहा है और उसी का वजीरे खारजा जो आप बता रही हैं, वो ये कह रहा है कि अब नहीं है साड़ियों वाले। और यार वो तुम पे थूकने को तैयार नहीं, तुम उस पर तंज कर रहे हो अपने लोगों को खुश करने के लिए। और यही नरेंद्र मोदी, यही नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, इस वीडियो में इमरान खान के बारे में बात हो रही है। इमरान खान जिस तरीके से भारत के लिए रिएक्ट करते हैं ट्विटर पर और जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में बात करते हैं उसके बारे में बात हो रही है। और इस वीडियो में आरजू काजमी ने यह भी बताया कि उनको किस तरीके से, मतलब जो आपने देखा होगा किस तरीके से वो इंडियन मीडिया पे आती हैं और किस तरीके की वो न्यूज़ देती हैं, उसकी वजह से शायद उनके घर में एक अनजान व्यक्ति घुसा, उस बारे में बात हुई। तो चलिए दोस्तों पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के अंतिम भाग में करते हैं कुछ। ला रहा हूं उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। देखिए जी, भारतीय वो जो वजीर आजम है मोदी, उसको उसने खड़े होके जाती तौर पे, जिस तरह वो गली के थड़े पे लोग खड़े होके आवाजें कस रहे होते हैं, इसने उस तरह से आवाजें कसी हैं नरेंद्र मोदी पे। वो एक फासिस्ट है, मैं उससे बात नहीं करना चाहता। वो ये वो यार, पहले तुम कहते हो कि मैं उसे फोन, पहले तुम उसकी दुआएं मांगते हो जो कि नहीं मांगनी चाहिए थी, गलत बात है, पब्लिक करते हो। जब वो आके तुम्हारा फोन नहीं सुनता, पहले तुम उसे ट्राई करते हो, बाद में इसे भी पब्लिक कर देते हो कि जी अच्छा, वो तो मेरा फोन और नहीं सुन एक रहा। और चीज सर, सॉरी आपकी बात काटी, एक और चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी। शाह महमूद कुरैशी साहब के स्टेटमेंट आपकी बात से मुझे याद आई कि वो कह रहे कि जी नरेंद्र मोदी जी ये ना समझे कि अब यहाँ पाकिस्तान आएंगे तो साड़ियां मिलेंगी, वो लोग चले गए। मैंने कहा वो तो बड़ा अच्छा एक तरीका था कि नवाज शरीफ साहब ने साड़ी गिफ्ट की तो थी, और आप बहुत अच्छा है अगर अगर दोनों कंट्रीज में टेंशन कम हो तो अच्छी बात है। ये खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। 27 फरवरी को जिस मुल्क का वजीर आजम ये ऑफर कर रहा है कि मैं पाकिस्तान नहीं, मैं डायलॉग पर यकीन रखता हूं, मैं दोस्ती पर यकीन रखता हूं, भारत को चाहिए कि मुझसे बात कर ले। ये नहीं कि पाकिस्तान दोस्ती पर यकीन रखता है, पाकिस्तान अमन पर यकीन रखता है, पाकिस्तान हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, नहीं, मैं ये चाहता हूं, ठीक है। और यानी मेरे होते हुए फायदा उठा लो, भारत को मेरे से जानता कोई नहीं है। भारत को यानी कह रहा है कि मेरे होते हुए फायदा उठा लो, बाद में ये चांस नहीं मिलेगा। यार वो तो बमूनी लगा रहे। उसके बाद तुम कह रहे हो, रो रहे हो, ये टीम का लीडर ये कह रहा है और उसी का वजीरे खारजा जो आप बता रही हैं, वो ये कह रहा है कि अब नहीं है साड़ियों वाले। और यार वो तुम पे थूकने को तैयार नहीं, तुम उस पर तंज कर रहे हो अपने लोगों को खुश करने के लिए। और यही नरेंद्र मोदी, यही नरेंद्र मोदी जिस वक्त चलता है आपके घर में, ताशकंद से ही आ रहे थे, ताशकंद और अब काबुल और फिर उसके बाद लाहौर आता है, हमारी इज्जत करता है। और आपसे गुजारिश करूं कि नरेंद्र मोदी का अपना इंटरव्यू आपने देख रखा होगा यूट्यूब पर, जिस पर उसने एक्सप्लेन किया कि मैं जब लाहौर गया था तो मुझे मेरे प्रोटोकॉल वालों ने कहा कि इनके हेलीकॉप्टर पे मत बैठो। वो कहता है कि जब मैं आ रहा था तो मैंने हमने इस्लामाबाद रुकना था तो पता चला कि उनकी तो वो लाहौर में है, हमें ये जवाब मिला। तो मैंने कहा कि लाहौर चलते हैं, आओ लाहौर चलते हैं, कोई बात नहीं, मियां साहब को मिलकर जाएंगे। तो फिर हमने कहा कि हम आ रहे हैं लाहौर, तो वो कहता है इस्लामाबाद की वजह हम लाहौर चले गए। लाहौर उतरे तो वहां पे पाकिस्तान वालों ने हमें कहा कि एयरपोर्ट से रायबंड ले जाने के लिए वो आपके लिए सेफ नहीं होगा, तो हमने हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया है। तो मेरे प्रोटोकॉल वालों ने, ये मोदी कह रहा है कि मेरे प्रोटोकॉल वालों ने मुझे बताया कि वो मुझे कह रहे हैं कि उनके हेलीकॉप्टर में, तो ये तो मतलब डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के खिलाफ है, ये प्रैक्टिस के खिलाफ है, क्योंकि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जिस दूसरे हेलीकॉप्टर में बैठेगा उसकी क्लियरेंस इंडियन को यानी वो प्रोफेशनल्स देंगे ना, इंटेलिजेंस उनके टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे जो उस हेलीकॉप्टर को एग्जामिन करेंगे कि ये इसकी इंजन ठीक है, इसमें बम तो नहीं लगा हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम, दुश्मन मुल्क का हेलीकॉप्टर है। तो उन्होंने मोदी को मना किया कि आप इस ये खतरा मत लें आप, एक तो ये कि आप बगैर बताए इस तरह सरप्राइज देने जा रहे हैं, वो कहते हैं इस्लामाबाद ना आए तो आप लाहौर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लाहौर से रायबंड हेलीकॉप्टर बनेगा तो आप मत जाए। मोदी कहता है मैं जाऊंगा, मैंने कहा था मैंने प्रोटोकॉल वालों को पीछे कर दिया, मैंने कहा जाऊंगा यार, देखो क्या होता है, देखो क्या होता है। लाहौर गया, लाहौर आके पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर में बैठा, बैठ के रायबंड गया। यार इतनी उसने आपको इज्जत दी अपने प्रोटोकॉल वालों के खिलाफ, उनकी एडवाइस के खिलाफ, अपनी उसकी पार्टी का सारा एंटी पाकिस्तान मंत्रा, उसका जो पूरा एंटी पाकिस्तान है, उन सबको चैलेंज करके वो आके खड़ा हो गया।
ये गैर मामूली लोग होते हैं इस तरह के, इस तरह के लोग ये हर किसी के बस की बात लेकिन नहीं होती। इसमें मियां साहब का भी कमाल था कि मियां साहब ने उस वक्त इतना बड़ा स्टेप लिया कि मियाँ उनको साहब का इनवाइट देखिए जी, किया मियाँ हुआ साहब का है। यकीनन मियाँ साहब का एक हौसला था कि मियाँ साहब ने फिर जाहिर है कहा कि आप घर तशरीफ लाइए। मियाँ साहब ने फिर रवायती लाहौर की मेजबानी और फिर शरीफ खानदान की अपनी मेजबानी, और वो आए और उसके बाद बहुत हैप्पी वापस गए। नतीजा क्या हुआ? पठानकोट। तो बात यह है कि अगर नहीं इंडिया से करना, वो नवाज शरीफ तो मोदी का यार था, पहले वाजपेयी का यार फिर मोदी का यार, ठीक हो गया। तो उसके बाद जिस ये दिलरुबा को लेकर आए हैं मोहब्बे वतन दिलरुबा, ये दिलरुबा 3.5 साल से चीखें सिसकियां मार मार के क्यों उसको कह रही है, मोदी को आवाजें दे रही है, दुखी गाने गा रही है इंडिया की तरफ देख के। सर सर ये तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ रशिया के साथ अगर हम यूक्रेन का देखें तो वहां हमारे स्टूडेंट्स रो रहे हैं, पीट रहे हैं। इंडिया वाले तो अपने स्टूडेंट्स ले गए, उनकी बेशुमार वीडियोस मैंने खुद देखी हैं कि जहां पे वो बसों में भर के अपने स्टूडेंट्स को हिफाजत से पहुंचा रहे हैं इंडिया इंडिया के लोग, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स की वीडियोज आ रही है, वो कह रहे हैं कि जी हमारी एम्बेसी जवाब ही कोई नहीं दे रही। वो ठीक जवाब नहीं दे रही, उसकी वजह यह है कि पैसा ही नहीं है। मदद क्या करे, पैसा ही नहीं है, बजट ही नहीं है। इंडिया इसलिए लेके गया कि उनकी इकोनॉमी अफोर्ड करते हैं। यही तो हमें, मुझे और आपको मिलकर सोचना है कि ये जो हमारी अशराफिया की ये जो जाली, ये जो है ना, ये अकड़ी हुई गर्दने, हम ये तो हम वो पैसा पल्ले है कुछ नहीं, मतलब स्टूडेंट्स को मतलब है निकालने के लिए भी इनके पास लड़ाई नहीं है। आपने दुनिया के हर मुल्क से करनी है, खुद मुख्तारी सलामती मतलब एक नाम लेकर। ये तो खैर बैडली मैनेज था, देखिए इनको तो खैर निकालना, कोई इतना फंड्स ट्रांसफर कर देते जो इन्होंने नहीं किए, लेकिन एक्चुअल हालत ये है कि हमारी एम्बेसियों और हाई कमीशन के पास कोई फंड फंड नहीं होते इतने। तो जब नहीं है पैसे दूसरों से मांगने हैं, तो भाई हकीकत की दुनिया में आके देखना शुरू कर दो ना। आरजू हम, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, बड़े दर्दमंती से मैं ये बात कर रहा हूं, बहुत दुख से कर रहा हूं, क्योंकि मेरी मुसीबत है, मेरी कौम है ना, मैं क्या करूं। आदमी अपनी वल्दियत नहीं बदल सकता, कौम नहीं बदल सकता, यानी क्या करें। तो हमारी जो कौम है, मेरे आपके लोग हैं, ये हम ना मेजोरिटी में, और ये मैं बात नहीं कर रहा कोई एक पार्टी की, ये आप जनरल, आपको हम एक अल्टरनेटिव रियलिटी क्रिएट कर लेते हैं बहैसियत कौम। हम एक वर्चुअल रियलिटी जैसे होती है ना, हम एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड में रहते हैं, यानी उस अल्टरनेटिव रियलिटी में साल हर साल रहते हुए लोग हमारे अब वो नॉर्मल नहीं रह गए। वो अल्टरनेटिव रियलिटी क्या है? वो अल्टरनेटिव रियलिटी ये है कि दुनिया का हर यहूदी, हर ईसाई, हर हिंदू वो पाकिस्तान का और मुसलमान का दुश्मन है। दुनिया में हर मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता है, दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान का दुश्मन है, लेकिन पाकिस्तान इस्लाम का किला है। और फाइनली यहां से वो फौजें उठेंगी जिन्होंने दुनिया को तस्खीर कर लेना। ये है वो अल्टरनेटिव रियलिटी। यानी देखे ना, उस अल्टरनेटिव रियलिटी के ऊपर एक जो उनवान लिखा हुआ है वो ये है कि ये मुल्क 27 रमजान को बना था, लिहाजा टूट नहीं सकता। अब इतनी जाहिल लोगों को कोई क्या कहे यार, ये 24 साल बाद टूट गया था, टूट गया था। जो बाकी बच गया है उसके बारे में कह रहे हैं 27 रमजान को बना था, ऐसे कुछ हो नहीं सकता यार, इनको शर्म नहीं आती। ये है अल्टरनेटिव रियलिटी का, और ये अल्टरनेटिव रियलिटी पढ़ाने वाले यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं। सर मैं आपसे गुजारिश करूं कि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, मुझे बीकन हाउस भी यूनिवर्सिटी में कुछ पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ है, मैं हैरान हो गया इतना फासला है दोनों यूनिवर्सिटी। बीकन हाउस यूनिवर्सिटी भी वैसे फारे है, मतलब अल्लाह माफ करे वहां भी कोई आप, लेकिन चलो कुछ ना होने से बेहतर है। पंजाब यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल आप सोच नहीं सकती, और पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले बच्चे, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने वाले बच्चे जहाद पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाने वाला भी उनको साथ साथ में ये पढ़ाया चला जा रहा है कि अमेरिका तुम्हारा दुश्मन है। वैसे सर मैंने भी पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा, लेकिन अच्छी बात यह कि मैंने सीखा कुछ नहीं उनसे, अपनी गाड़ी चलती है तो वो शुक्र है मैं बच गई हूँ। लेकिन फिर भी हर एजुकेशन का तो बिल्कुल बुरा हाल है यहाँ पे, मतलब आप पढ़ा भी चुके हैं यहाँ पे, आप अच्छे से जानते होंगे कि अब यहाँ इन्होंने ये कर दिया है कि जी आपको मतलब कुरान पढ़ के बताना है, तर्जुमे के साथ बताना है, डिग्री नहीं मिलेगी, इस तरह की चीजें यहाँ पे करते जा रहे हैं, और ये अजीब ही नमूना इस्लामिक कंट्री बना दी है इसको। तो मेरे ख्याल है वो चाइना के पीछे क्योंकि बहुत लगे रहते हैं, तो चाइना कहते हैं ना जी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो वही कर देना चाहिए, तभी कुछ इंसान के बच्चे बनेंगे ये।
चाहे भाई लोगों, मैं आपको बताऊं, वैसे मैंने किसी से जिक्र नहीं, 2 दिन पहले मेरे घर में किसी ने घुसने की कोशिश की। अच्छा, मेरे घर में कैमरास लगे हुए, मजे की बात ये कि ठीक उसी 1 घंटे की रिकॉर्डिंग नहीं है उसमें। और हाँ मुझे वो कंपनी वाले ये कह रहे हैं कि जी कुछ कुछ टेक्निकल फॉल्ट था। मैंने कहा ठीक इस वक्त की रिकॉर्डिंग नहीं है, जब वो आदमी घुसने की कोशिश। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा पाकिस्तान के ये एंकर मैं बताना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान में नहीं रहते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए कोई एंकर इतनी बेबाकी से बोले तो डेफिनेटली आपने अभी हाल फिलहाल में मोहसिन बेग का नाम सुना होगा। आपने नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ कि ये इमरान खान के सपोर्टर थे और एक बड़े मीडिया हाउस से मतलब रिलेटिव थे। तो इन्होंने क्या बोला कि इमरान खान की जो पॉलिसीज थी उनके खिलाफ बोलना शुरू किया और अब वो गिरफ्तार हो चुके हैं और उन पर मतलब काफ़ी उनको डंडे भी घले हैं। इस तरीके की पाकिस्तानी मीडिया में बात हो रही है। तो आपको बता दूं कि इस एंकर ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है, जो इमरान खान फासिस्ट फासिस्ट आरएसएस ये वो फलाना ठिकाना बात करता है, ये कितना बड़ा फासिस्ट है और ये इसके मतलब मैं हूँ ये वो फलाना ठिकाना इस तरीके की बातें करता है। आपने इस एंकर के मुंह से सुना। अब वीडियो के लास्ट में बिल्कुल बात हुई है, आरजू काजमी ने एक बात बोली है कि उनके घर में मतलब कोई अनजान व्यक्ति घुसा और उस टाइम पर उनके सीसीटीवी कैमरे भी बंद हो गए। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि सीसीटीवी कैमरा ऑनलाइन तो कनेक्ट होते नहीं है, तो उस टाइम पे वो कैसे बंद हो गए? या हो सकता है अगर लाइट बंद हो गई हो और पावर बैकअप ना हो तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। सीसीटीवी कैमरे भी बंद हो गए होंगे तो रिकॉर्डिंग बंद हो गई होगी, ये हो सकता है। शायद ये बोलना चाह रही होंगी आरजू काजमी, उसी टाइम पे लाइट गई होगी और कैमरे बंद हो गए होंगे और उस टाइम पे वो अनजान व्यक्ति आकर कोशिश करता है। तो डेफिनेटली ये आप समझ सकते हो, आरजू काजमी जिस तरीके की बेबाकी और बोल्ड न्यूज़ देती हैं और जिस तरीके से मतलब आपको पता होगा उनका मौलाना के साथ एक इंडियन मौलाना के साथ एक वीडियो वायरल हुआ था, तो इस तरीके के अगर वो वीडियो बनाएंगी तो डेफिनेटली इस तरीके की उन्हें सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।